इसकी माँ का दूध 11.5 से 12 लीटर पर टाइम का है। अच्छा, जिनसे लाए किसान उन्होंने बताया कि सर आप खरीद के लाए होंगे। सर हाँ, इसको खरीद के लाए। कितनी कॉस्ट आई हुई इसमें? 101,10,000 रुपये में हमने खरीदा था इसको। 1,10,000 ये इसका मिल्किंग हाई रेट 11.5 से 12 लीटर पर टाइम का दूध है जो ये बेची है। हाँ, इसको हम 1,30,000 में लाए थे। किसान भाइयों नमस्कार, मैं एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस फार्मर चॉइस यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो पर मैं आपके जो गिर गाय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहते हैं, गिर गाय कहां से खरीदे, क्या प्राइस रहती है, कैसे इसकी देखभाल करें, कैसे इन्हें हम अच्छे प्रॉफिट तक ले जाएँ, तो किसान भाइयों आज की इस वीडियो पर मैं आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। आज हम आए हुए हैं मलगांव में, जो कि धार जिले में आता है। और किसान भाइयों, ये जो है ये रतलाम रोड जो आपने देखा होगा, जो कि धार से रतलाम जाते हैं, वहाँ से 9 किलोमीटर एक गांव है जिसका नाम है मलगांव। और ये जो गाय है ये जितेंद्र सिंह जी मंडलोई के यहाँ पर इनका जो एक डेयरी फार्म है जो कि मलगांव में। और किसान भाइयों, मुझे पता है कि ये वीडियो मैंने काफ़ी पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर दी थी। किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में काफ़ी मेन जानकारियाँ होने वाली है, क्योंकि अभी जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब है, आपको पता ही है कोरोना वायरस से। तो हम अभी कहीं पर भी आउटडोर शूट नहीं कर पा रहे, जैसे कि डेयरी फार्म्स पर नहीं जा पा रहे हैं, किसी फार्मर से मिल नहीं पा रहे हैं। तो अभी जो परिस्थिति वो काफ़ी ख़राब है। जैसे ही परिस्थिति थोड़ी भी ठीक होगी, हम आपके लिए काफ़ी बढ़िया बढ़िया वीडियो हमारे इस चैनल पर लाने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, चैनल को सब्सक्राइब तो आपको ज़रूर से करना है, क्योंकि सब्सक्राइब किए बिना काम नहीं चलेगा यार, सब्सक्राइब ज़रूर से करें। साथ ही सारी वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट करके आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर से पूछें। तो चलिए आज की यहाँ से वीडियो शुरू करते। तो सर आप सबसे पहले कितना टाइम हो चुका है आपको डेयरी फार्म शुरू किए हुए? हमको तो लगभग 4.5 से 5 साल के आसपास, लक्ष्मी 4.5 से 5 साल के आसपास हो चुका है। हाँ सर, बाकी बड़े लेवल में लगभग हमारा भी 1.5 साल के आसपास से बड़े लेवल से स्टार्ट करा है। अच्छा सर। हाँ जी सर, तो आप मतलब आपके पास अभी टोटल कितनी गायें हैं सर? हमारे यहाँ गायों की संख्या कुल मिला के 41 से 42 के आसपास है अभी। 41 से 42 गायें हैं। बड़ी गाय को बछड़े और बछड़ी मिला के 80 के आसपास संख्या है। 80 गाय मतलब 80 टोटल मिला के 80 है। 25 बछड़ी के आसपास और 15 के आसपास बछड़े हैं। हाँ सर, कुल संख्या 80 के आसपास है जी सर। तो सर मतलब आपने जब इतनी सारी गायें खरीदी सर, कहाँ से खरीदी सबसे पहला क्वेश्चन हमारा? सबसे पहले तो कुछ गायें हम लाए थे वो व्यापारी के थ्रू लाए थे, शुरू हमको इतना अनुभव भी नहीं था। वो कहाँ से लाए क्या लाए वो तो फिर इतना दिमाग में नहीं है, वो तो क्या उसके बाद में जो लाए अपन जूनागढ़ राजकोट मोरवी। अच्छा सर, गाँव में जा के व्यवस्थित अच्छी अच्छी गाय सिलेक्ट करी हमने खुद, सिलेक्ट करके लाए। हाँ, सिलेक्ट करके लाए। अच्छा सर, तो सर का अभी यहाँ पर ये देख सकते हो आप, सर के पास इतनी सारी गायें, तो सर आप अब अपनी गाय की थोड़ी बहुत डिटेल के बारे में बताइए, कौन कौन सी नस्ल की आपके पास गाय है, नंदी कौन सा है? नंदी तो हमारे पास में ये सामने दिख रही है, पारिस नाम का नंदी है। अच्छा सर, जिसका तो गांव में से लिया था, इसका मिल्किंग बता, इसकी माँ का 11.5 से 12 लीटर पर 11 से 12 लीटर के आसपास एक टाइम की। पास में जाके चलते हैं, दूर निकाल के। पारस ये सर का नंदी है। हाँ जी सर, बताइए ये सर आप। ये पारस नाम का नंदी है। हाँ सर, इसकी माँ का दूध 11.5 से 12 लीटर पर टाइम का है। अच्छा, जिनसे लाए किसान उन्होंने बताया कि व्यवस्थित ही किसान है, मतलब संबंधित अच्छे बढ़िया। हाँ सर, कि बोले 11.5 से 12 लीटर इसकी माँ का मिल्क था, छोटा बच्चा लाए थे। हाँ सर, उनका 2.5 से 3 साल होगा, उसके बाद में ये हम अपने यहाँ लाया सीधा। अच्छा सर, आप खरीद के लाए होंगे सर? हाँ, इसको खरीद के लाए। कितनी कॉस्ट आई हुई है इसमें? 101,10,000 रुपये में हमने खरीदा था इसको। 1,10,000 में। कितना सर आपको अभी मतलब ये जो गायें आपने इतनी सारी करी है सर, कितने साल हो गए सर इतनी गायें आपको इकट्ठी करने में? ये कम से कम 4 से 5 साल के आसपास। 4 से 5 साल मतलब आपको हो गया इस चीज के? हाँ हाँ। अच्छा सर, तो सर आप थोड़ी और अपनी गायें के बारे में बताइए, जो कि आपके पास और कौन कौन सी वेरायटी है गिर में? गिर में जैसे गाय बैठी है, इसका मिल्किंग हाई रेट 11.5 से 12 लीटर पर टाइम का दूध है जो ये बैठी है सर। हाँ, इसको हम 1,30,000 में लाए थे। अच्छा सर, ये सामने खड़ी है, इसका मिल्किंग रिकॉर्ड गोपाल प्रतियोगिता में प्रदेश में तृतीय नंबर पे आई थी ये। अच्छा सर, स्टेट में 3रे नंबर पे। अच्छा सर, और एक सामने है, ये बहुत सारी गाय है जो सिलेक्टेड, जो 12 से 15 गाय अपन बोल सकते हैं उसको, उसी नस्ल को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा सर, 40 गाय में उसकी जो बोलते हैं ना छटनी करके उसकी अच्छा से अच्छा करना,
वो तो संभव अपने ही कर पाएंगे, अगर बड़े बड़े फार्म पे जाएंगे तो अपन पैसा देने के बाद भी नहीं कर पाएंगे कि अच्छी ब्रीड तो अपने यहीं तैयार होगी, क्योंकि गुजरात से लाने के बाद में वो कौन सा क्लाइमेक्स है में है। मैं चाहता हूँ कि अच्छी अच्छी नस्ल इन्हीं बछड़ियों को अपन अपने स्टेट लेवल पे अपन तैयार करें। अच्छा सर। हाँ तो सर, अब हमारे इसमें एक बहुत ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा जो किसान सवाल पूछता है सर, वो यह पूछता है कि इनका दूध कितने रुपए तक सेल हो सकता है, घी कितने रुपए तक सेल हो सकता है, सर आप कितने रुपए तक सेल करते हो ये चीज़ें? देखो, हम तो पहले तो हमने कम रेट में स्टार्ट करा था, बाकी कुल मिला के देखा कास्ट वगैरह जोड़ी जाए तो वो दिक्कत आती चलाने में। हाँ, तो अभी हमारा धार में हम 50 से 55 रुपए प्रति लीटर में दे रहे हैं और हमारा इंदौर में दूध जा रहा है 60 से 70 के बीच में। अच्छा सर। कुछ 5-10 रुपए कुछ कॉलोनी वाइज ऊपर नीचे करके जो उस हिसाब से। तो सर अभी घी कितने रुपए तक सेल करते हैं आप? घी हम दे रहे हैं 1550 रुपए किलो में। अच्छा सर। वो धारा टू मिल्के के नाम से है। तो सर पैकेजिंग वगैरह? पैकेजिंग वगैरह पूरा व्यवस्थित है ना जी सर। तो सर आपने मतलब अपना खुद का ब्रांड बना लिया? हाँ, अपना खुद का ब्रांड बना। सर क्या नाम है आपके ब्रांड का? गोधारा एटू मिल्क। अच्छा, गोधारा एटू मिल्क। अच्छा सर। हाँ। तो पूरे धार में आप मतलब सप्लाई करते? नहीं, धार में नहीं, धार के अलावा इंदौर में भी सप्लाई है हमारी। इंदौर में भी? एक टाइम को हम धार देते हैं और एक टाइम को पूरा इंदौर में। अच्छा सर। तो कोई अगर किसान भाई अगर इंदौर में या फिर धार के हैं और वो अगर आपका ये जो दूध है यहाँ से मंगवाना चाहे तो किस तरह आपने घर तक डिलीवरी ले सकते हैं? वो तो कर देते हैं ना, वो तो हम ऑर्डर ले लेते हैं कौन सी कॉलोनी में क्या है, तो हम संभव रहते तो हाँ कर देते हैं, अगर नहीं होता तो फिर मना बोल देते हैं उनको। अच्छा सर। हाँ तो सर आप जैसे कि अभी आप अपनी मिल्किंग जो आपके यहाँ पर अच्छी दूध देने वाली गाय है उनके बारे में थोड़ा बताइए, जो सबसे ज़्यादा आपके यहाँ पर दूध देती है गाय। सबसे ज़्यादा मैं आपको दिखाऊंगा चला के, ये हमारी गुजरात से लाए थे, इसका मिल्क बहुत जोरदार है। अच्छा सर। जैसे 11 से 12 लीटर पर टाइम का दूध है इसका। हम अभी इसकी बच्ची तैयार करी हमने, कम से कम उसको एक थन डेढ़ थन का जितना उसने पीना चाहती है। हाँ। इतना पिला एक सामने गाय देख रही है, इसकी भी हमने बछड़ी तैयार करी है, वो अभी भी आई, कुछ थोड़ी कमज़ोर भी है कुछ बीमार होने से। हाँ। ऐसी एक वो गाय है, एक सामने देख रही है वो गाय है, एक वो जा रही है वो गाय है। जी जी सर। एक सामने आ रही है, तो हम तो दूध से ज़्यादा हम ध्यान रखना चाहते हैं कम से कम इसकी अच्छी ब्रीड तैयार करें। तो उसके लिए ब्रीड तैयार करने के लिए कम से कम उसकी माँ का दूध तो पर्याप्त होना जरूरी है, क्यों खली वगैरह वो चीज़ तो संभव नहीं, क्योंकि जो बचपन में अगर उसका शरीर ग्रोथ अगर करेगा तो ही अपन थोड़ी सी अच्छी नस्ल तैयार कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा तरीका तो यही है कि अपन तो देखो अभी से अगर जोड़ेंगे अपन ये घाटा मुनाफा, सबसे अच्छा मुनाफा प्रॉफिट तो अपना ये है कि अपनी घर की अगर ब्रीड अपन ने तैयार कर ली तो चौथे साल से पाँचवें साल पर अपन अच्छे तरीके से डेयरी फार्म को अपन आगे ले जा सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर से करना और चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर से दबा देना। मैं मिलता हूँ हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।